पिछले लगभग 4 माह से रोडवेज महाप्रबंधक के खिलाफ जांच की मांग, 7 दिनों से धरना और 48 घंटों की भूख हड़ताल, 7 दिनों से मोबाइल टॉयलेट की मांग, उसके बावजूद भी सभी में परिणाम शून्य। रोडवेज कर्मचारी की शुरू हुई भूख हड़ताल को अब 48 घंटे बीतने को, अब इसमें एक कर्मचारी की हालत भी बिगड़ने लगी, लेकिन सरकार व प्रशासन के कानों में जू तक नहीं रहेंगी। वही विडंबना की बात तो ये है कि जो सरकार खुले में शौच मुक्त अभियान चलाती हो, उस सरकार ने ही रोडवेज कर्मचारियों की लिखित मांग पर मोबाइल टॉयलेट तक उपलब्ध नहीं करवाया। वहीं स्वास्थ्य विभाग भी कुमकर्णी नींद सो रहा है। 48 घंटे बीतने के बाद भी स्वास्थ्य विभाग की टीम ने मौके पर जाकर कर्मचारियों की जाँच तक नहीं करवाई। इन बातों को लेकर कर्मचारियों में लगातार रोष पनपता जा रहा है। कर्मचारियों के रोष के सब्र को देखते हुए यह शांतिपूर्ण धरना कभी भी उग्र रूप ले सकता है। पिछले 7 दिनों से कई राजनीतिक और समाजसेवी संगठनों ने अपना समर्थन रोडवेज कर्मचारियों को दिया। आज भी दक्षिणी हरियाणा विद्युत प्रसारण निगम के कर्मचारियों ने अपना समर्थन दिया और कहा कि रोडवेज कर्मचारियों का समर्थन कंधे से कंधा मिलाकर साथ देंगे। हम आपको बता दें कि रोडवेज कर्मचारी पिछले 7 दिनों से राजीव चौक स्थित जिला सचिवालय पर धरना दे रहे हैं। एक रोडवेज कर्मचारी नेता व एक सामाजिक कार्यकर्ता पिछले 48 घंटों से अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल पर बैठे हैं। रोडवेज कर्मचारियों ने अपने ही महाप्रबंधक पर भ्रष्टाचार के कई आरोप लगाए हैं। उन्हीं आरोपों की जांच की मांग को लेकर वे लगातार आंदोलन कर रहे हैं। महाप्रबंधक पर भी राजनीतिक हाथ होने के चलते कर्मचारी की मांगों पर कोई विचार नहीं किया गया। वहीं एक कर्मचारी मौन व्रत पर भी बैठ गया। हम आपको बता दें कि रेवाड़ी रोडवेज महाप्रबंधक लाजपत राय यादव हरियाणा के डिप्टी स्पीकर संतोष यादव के भाई हैं। देखिए, रोडवेज के कर्मचारी पिछले 7 दिन से लगातार यहाँ धरने पर बैठे हुए हैं, जांच की मांग कर रहे हैं। भ्रष्टाचार हुआ है, उसकी जांच की मांग के लिए ये आदमी बैठे हुए हैं। 7 दिन के अंदर सरकार ने कोई भी संज्ञान नहीं लिया और 3 दिन से लगातार भूख हड़ताल के ऊपर एक साथी हमारे तिवाड़ी जी बैठे हैं, एक समाज सेवी राजेश शर्मा जी बैठे हैं, लेकिन सरकार ने आज तक कोई संज्ञान नहीं लिया। मैं स्पष्ट बात कहना चाहता हूं कि हरियाणा कर्मचारी महासंघ रोडवेज के कर्मचारियों के साथ है और अगर सरकार ने इसकी जांच नहीं करवाई गई और जांच करवाने में भी मैं कहना चाहूंगा कि सर्वप्रथम जीएम महोदय को यहां से ट्रांसफर करके और इस केस की एक एफआईआर लॉन्च करा करके जांच करवाई जाएगी, क्योंकि तो अगर जीएम यहां रहता है तो जांच को भी प्रभावित कर सकता है। मैं प्रदेश की सरकार से ये मांग करता हूं कि इसकी जांच करवाई जाए और जीएम का यहां से तबादला किया जाए। साथ ही जो सिविल प्रशासन है उनसे भी मैं कहना चाहूंगा कि एक समाज के अंदर जब आदमी भूख हड़ताल के ऊपर बैठता है तो एक मोबाइल टॉयलेट देने की बात जरूर होनी चाहिए, जो आज तक इनके बार बार मांगने पर नहीं दिया है, बिल्कुल गलत बात है। डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन से मैं आग्रह करता हूं कि तुरंत प्रभाव से इनको मोबाइल टॉयलेट प्रदान किया जाए। मैं आपके माध्यम से एक बात कहना चाहूंगा कि हमारे दो साथी, एक समाज सेवी राजेश शर्मा, देवेंद्र तिवाड़ी जी हैं, जो करीब करीब 48 घंटे भूख हड़ताल का पूरा करने जा रहे हैं, और इनमें से एक साथी जो भूख हड़ताल पर बैठा है हमारा देवेंद्र तिवाड़ी जी प्रेस प्रवक्ता है, वो डिस प्रॉब्लम के पेशेंट है और 48 घंटे बीत जाने के बाद अभी तक स्वास्थ्य विभाग के किसी अधिकारी ने या किसी डॉक्टर ने आकर इनकी पूछताछ नहीं की है, इनका हालचाल नहीं पूछा है। मैं इसकी आपके माध्यम से स्वास्थ्य विभाग की भी गौर निंदा करता हूं और अपील करता हूं आपके माध्यम से कि इन कर्मचारियों को स्वास्थ्य विभाग के भी डॉक्टर वगैरह के जल्दी संभाले। और मैं ये भी कहना चाहूंगा कि 48 घंटे के दौरान हमारे राजेश शर्मा समाज सेवी हैं, इन्होंने अपने लेटर पैड पर और जो रोडवेज की ज्वाइंट एक्शन कमेटी का लेटर पैड है उस पर आदरणीय डीसी साहब को भी लिखित में दिया है, एसडीएम को भी दिया है कि यहां एक टॉयलेट होना चाहिए, वो अब तक मुहैया नहीं कराया गया, क्योंकि इस साइड में एक तरफ तो राधा स्वामी जी का मंदिर है, सामने मंदिर है, पीछे रिहायशी है और बराबर में
पूरी सेक्रेट है, तो मैं निवेदन करता हूं डी साहब से कि चलता फिरता टॉयलेट खड़ा कराए, और अन्यथा ये सब बातों को देखते हुए ये महसूस होता है, ये संज्ञान मारा है कि जिला प्रशासन ही हमारे इस आंदोलन को कुचलने में कोशिश कर रहा है, और मैं उन्हें आज इस सफल धरने की इन कर्मचारियों को और जो भूख हड़ताल पर बैठे हैं इनको मुबारकबाद देता हूं, क्रांतिकारी स्वागत करता हूं, और माननीय मुख्यमंत्री से एक अपील करता हूं, विश्वास दिलाता हूं कि इसको बदली करके न्यायिक जांच कराई जाए, और 17-18 अगस्त से पहले कोई भी महाप्रबंधक ने, जहां तक बोर्डों की बात और मैंने परिवहन विभाग की उपलब्धियां लिखवाई है, 17 और 18 अगस्त से पहले महाप्रबंधक ने इस विषय में किसी जिला उपायुक्त से या किसी परिवहन विभाग के अधिकारी से या लोक संपर्क विभाग के अधिकारी से, जहां तक बात है एनओसी की, पीडब्ल्यूडी की एनओसी की, अगर 17-18 से पहले कोई भी कार्रवाई की तो कोई भी अधिकारी यहां धरना स्थल पर आके हमें दिखा दे, हम अपनी गलती मान लेंगे, नहीं तो मेरी प्रदेश के मुख्यमंत्री से निवेदन है, अपील करता हूं कि इस भ्रष्ट महाप्रबंधक को बदली करके और विजिलेंस जांच कराई जा रही है, उसके खिलाफ FIR लॉन्च करी जाए। धन्यवाद।